Thank you.
अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो
जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो मेरे लाडलो, जागो 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 जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो मेरे लाडलो, जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो मेरे लाडलो, जागो मेरे लाडलो, जागो मेरे लाडलो, जागो मेरे लाडलो, जागो। Thank you.
दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं।
Thank you.
ज्ञान चक्षु के तीसरे नेत्र को प्राप्त कर, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर, मुझ आत्मा की बुद्धि जागृत हो चुकी है, मुझे अलौकिक दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजित आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हूं। आत्म स्वरूप की अभ्यासी बन चुकी हूं। मूल रूप में मैं आत्मा एक नेत्री हूं। एक नेत्र अर्थात तीसरा नेत्र, जो मुझ आत्मा ने परमात्मा शिव बाबा से पाया है। जिससे मैं आत्मा परमात्मा को देखती हूं, परम धाम को देखती हूं, तीनों कालों को देखती हूं, अपने विश्व को देखती हूं, स्व का दर्शन करती हूं, अव्यक्त वतन को देखती हूं, समस्त सृष्टि चक्र का परिचय देने वाले कल्प वृक्ष त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र सीढ़ी के चित्र को देखती और समझती हूं। इस तीसरे नेत्र द्वारा मैं आत्मा स्वयं की विशालता गुह्यता गहराई ऊंचाई बाबा की समीपता और समानता बाप समान अवस्था अपनी संतुष्टता संपूर्णता सब कुछ देख पाती हूं। अपने तीसरे नेत्र से ही मैं आत्मा संगम युग में
बाबा के साथ। विश्व सेवा करते हुए अपने समय, संकल्प और एनर्जी को सफल करती हूं। अपने तीसरे नेत्र के बल से ही मैं आत्मा निर्संकल्प अवस्था को प्राप्त करती हूं। अपनी इंद्रियों से मुक्त अवस्था का अनुभव कर पाती हूं। तीसरे नेत्र से ही मैं आत्मा वर्तमान के फाउंडेशन पर खड़े होकर विश्व में स्थापना, पालना और परिवर्तन का कार्य करती हूँ। आत्मा का तीसरा नेत्र ही आत्मा को आत्मिक दृष्टि का मालिक बनाकर प्राप्ति स्वरूप बनाता है। मैं आत्मा अपने तीसरे नेत्र द्वारा अपने साकार देह और अपने बीच के 5,000 वर्षों को अनुभव कर परिपक्व बन रही हूं। मैं आत्मा अपने तीसरे नेत्र द्वारा अपनी पहली सतोप्रधान इंद्रिय और अंतिम तमोप्रधान इंद्रिय को अनुभव कर निश्चय बुद्धि बनती जा रही हूँ। कर्मेंद्रिय जीत बन रही हूं। आत्मा का तीसरा नेत्र ही आत्मा की सूक्ष्म फरिश्ताई इंद्रियों को जागृत करता है और देह अभिमान से मुक्त करता है। ये तीसरा नेत्र केवल देवी देवता बनने वाली तथा दिव्य गुण धारण करने वाली आत्मा को ही मिलता है।
शिव पिता परमात्मा ने हमें ईश्वरीय ज्ञान देकर त्रिनेत्री बना दिया है। बुद्धि के इस दिव्य नेत्र का वरदान हम सौभाग्यशाली आत्माओं को परमपिता परमात्मा से ही प्राप्त हुआ है। हम सभी शिववंशी ब्रह्मावत्स अपने पिता परमात्मा को दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इसी शक्तिशाली स्थिति में मैं आत्मा अपने फरिश्ते चोले के साथ स्वयं को सूक्ष्म बदन में अनुभव करती हूं। बाप दादा के बिल्कुल सम्मुख प्यारे मीठे बाप दादा को अपने हाथों से भोग की गिट्टी तैयार कर स्वीकार कराती हूं। हम बाबा को खिलाते हैं और प्यारे मीठे बाप दादा हम बच्चों को। ना सुंदर अद्भुत अलौकिक अनुभव है ये। स्वयं भगवान परमात्मा बाप हमारे द्वारा भोग की भाषा ले रहे हैं। बाप दादा को भोग स्वीकार कराकर उन्हें जल अर्पण कराकर
अब अपना फरिश्ता चोला यहीं छोड़, मैं आत्मा नदी आत्मिक स्वरूप में उड़ चलती हूं अपने निज घर परम धाम में। स्वर्ण लाल प्रकाश की शांति की दुनिया में शिव बाबा के बिल्कुल पास आ जाती हूं और कुछ समय के लिए डीप साइलेंस में ज्वालामुखी योग अभ्यास द्वारा मैं आत्मा अपने पूर्व विकर्मों को योग की अग्नि में तपकर जलकर भस्म होता अनुभव कर रही हूं। डीप साइलेंस, ज्वालामुखी योग। योग की अग्नि में तप कर मैं आत्मा अपने अनादि आत्मिक गुणों में स्थित होकर पवित्रता से निखर गई हूं।
और इसी शक्तिशाली स्थिति में परमधाम से नीचे आ जाती हूं सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन से नीचे लौट आती हूं साकारी दुनिया में, साकारी रथ में। अपने हाथ में जल ले ले चार्जिंग करने के लिए। अनुभव करे बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है और उनके दिव्य शक्तिशाली ऊर्जा युक्त किरणें इस जल में प्रवाहित हो रही है जिससे ये जल का एक एक अणु परमात्म शक्तियों से भरपूर हो चुका है। सभी को तन से स्वस्थ और मन से खुशहाल बना रहा है। ये परिवार ईश्वरीय परिवार दैवी परिवार सब शांति समृद्धि से संपन्न है। ये जल परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। शक्ति संपन्न बन चुका है। पीने वाले हर एक सदस्य को तन से निरोगी स्वस्थ और मन से खुशहाल बना चुका है। इस जल को कॉमन वेसल में प्रवाहित कर दें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।